गैंग्रीन होने पर कोई इलाज एलोपैथी में नहीं है, फिर अंग को काटना ही पड़ता है, हाथ में या पैर में जहाँ पर भी गैंग्रीन हो जाता है उस अंगुली को, और फिर यदि वो गैंग्रीन और ज़्यादा बढ़ जाता है तो हाथ को और पैर को कई बार काटना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, और फिर वो आगे बढ़ता ही जाता है, रुकता नहीं है, क्या करें? कायकल्प तेल विधारा, थोड़ा सा हल्दी का प्रयोग किया, विधारा के पत्तों को लिया, उसको कूट करके और कायकल्प तेल लिया और उसमें थोड़ा सा फिर ये विधारा के पत्तों को और थोड़ा सा हल्दी डाल करके उसका एक तरह से ये लेप बना लिया और उसको धोने के लिए नीम के पत्तों का प्रयोग किया, गोमूत्र का, नीम के पत्तों का रस का प्रयोग किया, नीम के पत्तों को या पानी में उबाल दिया, उससे उसको वास किया और उसकी ड्रेसिंग की विधारा कायकल्प तेल के साथ, तो गैंग्रीन ठीक हो जाता है। गैंग्रीन में खाने में भी जो शरीर को अंदर से भी जो हील करने के लिए मदद करता है, तो उसमें आरोग्यवटी दो दो गोली और कायकल्प पट्टी दो दो गोली और खाने के बाद कैशोर गुगल इसका प्रयोग करने से, और कायकल्प क्वाथ का भी सेवन कर सकते हैं, उससे भी जबरदस्त लाभ होता है। गैंग्रीन के रोगियों को प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम करने से बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है और सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो गैंग्रीन के रोगियों को भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट, कपालभाति 15 से 30 मिनट तक, इसी तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम ये भी 15 से 30 मिनट तक करना चाहिए। इससे उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा और सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया अपने आप भीतर से स्टार्ट हो जाएगी और गैंग्रीन के रोगी 100% अच्छे होंगे।